सर जहां तक मैं जानता हूं कि आप सभी ने जो हमारी हिंदी भूतिया फिल्में होती हैं वो तो देखी होंगी, तो मेरा सवाल ये है कि उसमें जो भूत होते हैं वो किस किस प्रकार के देखे हैं आपने? भूत और फिल्मों के अंदर सब आजकल सवाल तो बाकी बहुत मनचाह सवाल है सब। एक जब एक आज से कुछ साल पहले एक फिल्म है थी विशाल बाद, उसको जो हमने देखा था वो कहे जब भी बस कुछ वो फैंक कैसे ऐसे पंजा आए और वो लोग उसमें डर जाए और छोटे बड़े पिक्चरों में जो भूत बाकी वो बहुत खसा लगे उसका खसर अपनी बिल ने कहीं देखी मैंने। जहाँ तक सवाल है भूतिया पिक्चरों का, मैंने तो एक ही पिक्चर देखी थी जानी दुश्मन, उसमें का भालूसरे का बड़ा मुंह का भूत था और सारी दोनों के डोले लूट लिया करता था, वो खतरनाक लगा था मेरे को तो भूत। सर जी हाँ देखिए हमने देखा भूत को, बहुत लंबे लंबे काले काले मुंह के डरावने खोपड़ी घुमा लेते हैं, बहुत डर लगता है भूतों को तो देख के। ठीक है सर, तो इसी क्रम में आज हम आपको जो हॉलीवुड है अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री है अच्छा अच्छा वहाँ की जो डरावनी फिल्में होती है अच्छा अच्छा उसके कुछ जो विलन कैरेक्टर है वो दिखा रहे हैं, तो आप उन्हें देखें और उसके बाद उन्हें देखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। सब ये समझ लो कि आपने 50 साल पुरानी याद में वो ताजा करा दी है कि उस जमाने के अंदर भी जो जो आपने बोला कि ये चीज़ें करती थी बाकी वो दौर कुछ और था, अब आज का दौर कोई कुछ और है, उस टाइम कुछ और दिखता था, अब आज क्या दिखता है, हम तो वो देखना चाहते हैं सब, हम तो वो देखा कैसा लगता है। अब ये भूत अपने को मेरे को तो मिट्टी का मुंह लग रहा है ये। हाँ। और अपने वाली ना पेरिस ऑफ प्लास्टर हाँ। उसका बना हुआ दिख रहा है। और उसकी आंखें कैसी लग रही है जैसे हाँ। लाल टमाटर के किसी ने अंदर डाल दी हो। हाँ। कुल मिला के थोड़ा सा डरावना भी है पर थोड़ा मजाकिया भी दिख रहा है मुझे। अरे मजाकिया मुझे यूं कर के किया हमको सरकार का जोकर लग रहा है, जोकर सरकार का जोकर। हां साहब जाने गए आया है दिखाओ। अब देख ले अब तो सकल जोकर ही है, जो देखो साइकिल भी चला दिया। सही बोल रहे हो भाई तुम, फिर आप जोकर ले हो तो यार। सर ये तो बताओ असल में करता क्या ये? दरअसल सर एक बहुत फेमस सीरीज थी जिसका नाम था सॉ, ये उसी का कैरेक्टर है जिसका नाम था जिग सॉ। अच्छा, और ये उसके अंदर लोगों को किडनैप कर लेता था और फिर इसने इसके घर में एक तरह से बहुत ही ज्यादा डरावने हालात बनाकर और उनके टेस्ट लेता था जिसमें ज्यादातर लोगों की ये जान ले लिया करता था। तो यार खतरनाक चीज है ये तो। ओ बाप रे बाप, दो हाथ पे दो लिखा हाथ में तलवार। आप कौन है बाबू? ये कोई कसाई का काम करता हुआ होगा भैया, देख लो हाथ में क्या उसको को तो हां हां भयानक लग रहा है चाचा जी, कहीं ऐसा लग रहा है देख के कि किसी को काट नहीं दे, इतना डरावना लग रहा है। पता लगा किसी को काट के आ रहा, काट देने खड़ा हुआ है भैया। अरे करते क्या है ये? सर दरअसल इसका नाम था जेसन, इस मूवी का नाम था जेसन फ्राइडे द 13th। अच्छा अच्छा। इसके अंदर ये लोगों को पकड़ के उनका मर्डर करता है। ओ, 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 इसके ऊपर जो अत्याचार हुए थे और इसकी माँ का जो मर्डर हुआ था, अच्छा, ये उसका बदला लेने के लिए ये सब करता है अच्छा। और बेगुनाह लोगों को मार देता है। मतलब ये को मानसिकता उन्हें ऐसे हम कर देंगे कि ये मगुनी भाई बदला ले ले ले, आप लोगों को मार के खत्म ही करना है। मेरे को तो किसी का खून पीने जा रहा है, खून पी के आ रहा है। डरावना लग रहा है, किसी आत्मा ने इसे अपने वश में कर लिया वाला फाड़े। बस वो देखते हैं कि इस पर प्लेयर मिलते ऐसा लग रहा है इस पर बहुत अत्याचार हुआ है, इसको इतना सजा सता क्या इसको शायद इसको अंदर बंद कर दिया तो किसी। अरे तुम अत्याचार की बात कर रहे हो, उसकी आंखें देखो पूरी भूतिया हो रही हैं। अब हाँ यार जो कुछ आंखों पर तो गोली नहीं करा तुमने। चाचा जी चुड़ैल है वो, चुड़ैल आंखें देखो कितनी भयानक है वो। चुड़ैल का नाम तो सुन मेरे को लग रही है काबू में नहीं आ रही होगी तो उसको बांध के पटक दिया हो। सही बात है, ताकि भूत भूत उतार सके। ये इसी का सर दूसरा फोटो है। सर लग रहा है किसी का खून पी के आराम कर रही है। हाँ या कोई ना कोई सामने है। हाँ। डरिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है जो आप दोनों बात बोल रहे हो मुझसे सहमत नहीं हूँ, उसके नाक में नली लगी है। हाँ, अच्छा, हाँ, नली लगी। तो शायद ये बीमार थी और इसके शरीर में आत्मा आ गई। ये भी तो इस वजह से ऐसी हो गई मेरे ख्याल से। अच्छी भली लड़की होगी कि पहले ही आत्मा आत्मा घुस गई हो। ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा
द एग्जॉर्सिस्ट नाम की फिल्म का ये फोटो है। अच्छा। एक छोटी लड़की थी ये जिसको शैतान ने अपने वश में कर लिया, जिसकी वजह से वो अपना काबू खो बैठी थी अपनी बॉडी पे से भी और अपने दिमाग पे और जो भी इसके आसपास होता था ये उसको डरा देती थी। इसका जो बिहेवियर था वो शैतान की तरह करने लगती। अबे ये क्या मुझे कोई गुड़िया लग रही है। अबे गुड़िया गुड्डा गुड्डा गुड़िया 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 हाँ। अबे ये गुड़िया की नदाकू आया कुकुनी है तो ये कुकुनी का काम है। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया उसका हाथ में पेचकस है। हाँ, उसने नाक से खुजाल लिया होगा इसलिए खून आ गया। ये सर उसका एक और फोटो आपके सामने। अरे रे इसके तो चेहरे पे बहुत सारे टाके टाके बिल्कुल बिल्कुल बाबू क्या इसको करा होगा इसका यार काट पीट दिया किसी ने। ठीक है सर मैं बताना चाहूंगा इस फिल्म का नाम था चक्की। चक्की चक्की का मेरा दूध होती है तू आटा बिजना नहीं हो रहा है खाने वाले दूध चक्की का सुना ना। ये कौन चक्की है? ये कौन सी नई चक्की आ गई? हाँ ये कौन चक्की आ गई भैया? जी सर दरअसल एक हत्यारा था। अच्छा। जिसकी आत्मा एक भयानक दिखने वाली जो गुड़िया आपको नजर आ रही है हाँ, हाँ। इसके अंदर घुस गई थी और फिर लोगों को तेरे की तो साला अपन सोच ही सकते यार के बच्चों को खेलने के लिए गुड़िया लाके दे अपन हाँ। वो तो चाकू लाके सबको मारते फिर है अपने घातक एक नहीं है फिर बहुत ज्यादा घातक है जाए जाए इसको मारते हाँ। बहुत भयानक लग रहा है किसी को फोटो दिखा दो डर जाओ तो चाचा जी आप कह रहे हो ना इसकी आंखें गड्ढे में जा रही है वो दरअसल ऊपर से चेहरे पे वो मुखौटा पहना हुआ है तो इस वजह से अपनों को उभर के मुखौटा आ रहा है आंखें तो उसकी वही के वही है तो इसलिए अपनों को और ज्यादा विचित्र लग रहा है। ठीक है सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस मूवी का नाम था हेलोवीन और ये जो शख्स इनका नाम था माइकल मेयर्स। इस मूवी के अंदर इन्हें भी एक हत्यारा बताया था विलन बताया था जिसमें लोगों को मारते हैं। जब चेहरा पहना तो अपने लेकिन जब पकड़ा गया जब क्या होगा ये नहीं सोचा फिर तो जेल में आना पड़ेगा और जेल की रोटी खाना पड़ेगी और चक्की भी पीसना पड़ेगा वो बुरा काम का बुरा नतीजा। आंखें भी नहीं इनके तो क्या है यार खाली दांत दिखना गले तक कुछ कटा हुआ भी है हाँ। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही ये भूत है ये इंसान है जिनका दिमाग पागल हो गया है तो ऐसी अजीब वाली विचित्र हरकतें कर रहे हैं फिर बाकी आत्माएं हैं इनके ऊपर। मेरे को लगता है ये इंसान ने कोई नस्ल अलग ही नहीं दिख रही नई तरीके की नस्ल है आदमी में है ना जानवर में। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि अमेरिका वाले डॉक्टर ने कैसा सोचा होगा कैसा बना दें यार कोई ये उसका अगला फोटो वो तेरी की ये तो भयानक लग रही है वो तो ठीक है ये कदम आ गया हाँ यार ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कोई नल नहीं है ये तो भयानक लग रहा है ना तो इसकी आगे ना इसके कुछ कपड़े हीरो वाले कपड़े पहने जैसे कोई बहुत बड़ा हीरो अपने आपको हीरो समझ रहा है सलन में विलन है कितना मासूम बच्चा ये कितना हसीन जोकर कितना खेलो मेरा मुन्ना मेरा पुल्लू हेलो पुल्लू सर जी इसको मेरे को ये समझ में नहीं आ रही इस उन्होंने लिस्ट में क्यों डाल दिया ये बहुत प्यारा लग रहा है एक नंबर लग रहा था खूबसूरत है सर्कस का जोकर अगला फोटो दे चाचा जी एक किलो तो मटन गले में से निकाल के लेके जाए आराम से मटन यार मैंने तो सुना है कि लोगों के दर्द 32 होते हैं आज जिंदगी पहले बार देख लो 32 नहीं 64 दर्द है इसकी तो भैया 64 केले लग रहा है मेरे को तो
हाथी क्या इसके नाखूने के क्या लगा लिया यार, खतरनाक दिख रहा है। सर जी एक बात मेरे दिमाग में आई, फिल्मी दुनिया के अंदर ना बेवकूफ अच्छा बनाते हैं। देखो इतना खतरनाक मुंह हो रहा है, हाथ देखो उसके चाकू से भरे हुए हैं, कपड़े एक नंबर पिना है बंदे को। फैशन में कोई समझौता नहीं है, फैशन पूरा कर रखा है उन्होंने। सही बात, हमारा भूत था जानी दुश्मन वाला, भालू का मुंह का हे करके उसको खुद को संपटने पड़े थे, वो था असली भूत। तो ये तो फैशन में घूम रहा है पूरा। हां ये फैशन में घूम रहा है भूत। अरे वो मशीन लेके जा रहा है काटने, किसी को ऐसा लग रहा है। फ्यूचर दिख रहा है मशीन दिख रही है। अरे मशीन है वो, हाथों के डोलो शोलो से तो मुझे किसी भी तरह का भूत नहीं दिख रहा है, कोई इंसान है दिमाग में। मेरे को तो लगे किचन में काम करने वाले लग रहे हैं। क्या इनका पहनावा भी ऐसे लग रहा है, मेरे को वहीं पे पागल वगैरह हुआ होंगे क्या, इनका दिमाग खसक गया होगा जब ऐसे हरकत कर रहे हैं। मशीन लेके घूम रहा पगला से फिर रहा है। इनका सर दूसरा फोटो देखते हैं। ओह तो आराम मशीन लेके घूम रहे हैं। सर मेरे को एक बात तो ये कहना पड़ेगी, एक दफे मेरे को भूत लगे क्योंकि भूत क्या है कि एक कल्पना है, लेकिन जो ऐसे हनुमान जी को जो होते हैं इनको देखते हो आदमी इतना डर लगता है कि ये इनका कोई भरोसा नहीं, क्या कर रहे हैं। चाचा जी मुझे तो है ना इनसे सहानुभूति हो रही है जी। बेचारे घर वालों का सोचो, घर वाले बेचारे पालते पोसते हैं, कितने मजबूर हो जाते होंगे कि इन्हें ऐसे छोड़ देते होंगे। और जब अगर किसी को नहीं पता हो, उनके घर वालों को पता हो कि ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनके मन पे क्या बीतती होगी। कायदे से इनका अगर इलाज हो तो शायद ये इनकी जी जिंदगी सुधरे और समाज को भी नुकसान नहीं हो। सही बात, सही बात। बाकी में सब में ये अमेरिका की जो फिल्म इंडस्ट्री है सब में इनकी इन्होंने कैरेक्टर बनाए हैं, सब छोटे के लिए इनको देख के डर भी लगा। मेरे को कुछ हंसी भी के ऐसे कई कुछ कई बाकी में बहुत टाइप के वो यानी बहुत अच्छा लगा सर देख के तो बाकी वो काफी मजा आया। और किसी को देख के हंसी चली, किसी को देख के डर भी लगा। कहाँ से लाते हैं अमेरिका वाले सा दिमाग यार, वो ऐसे ऐसे कैरेक्टर को बनाते हैं। सलाम है दिल से यार। अभी तक जो भूत और जो इस तरह के किरदार मैंने देखे थे तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि वही पुराने कब्र में से उठे हुए और ऐसे, मगर मैं सलाम करना चाहूंगी, क्या मेकअप करा है, क्या उनको ढाला है, मतलब उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है कि भूत है कि असली इंसान है। लेकिन कोई देख के एक नजर में नहीं पहचान सकता कि भूत नहीं है। सही साहब, वाकई में सब ये वीडियो देखिए देखे हमारे वहाँ भूत फिल्मों की जाएगी। एक फिल्म देखी थी मैंने, उस फिल्म में वो भूत भरे थे और ये गाना उसे रहता है, गाना सुनो वो गुम नाम है कोई अनजान है कोई किसी को खबर कौन है वो अनजान है कोई गुम नाम है।